और मैंने भाई ये जो लास्ट क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिया था जितना उतना मैंने अपनी स्क्रीन पे ओपन कर लिया। और जरा हम देख लेते हैं कि इसमें हो रहा क्या है। मैं कुछ भी लिखूंगा हाय, और हाय लिख के मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा तो मुझे एक डमी रिस्पॉन्स मिल जा रहा है चैटबॉट की जानिब से। ठीक है, मैं हेलो लिखूंगा और सबमिट करूंगा मैं तो भी एक डमी रिस्पॉन्स मुझे मिल जा रहा है, क्योंकि पीछे मेरे अभी एक्चुअल में चैटबॉट है नहीं। ठीक है, तो मैंने एक छोटी सी लॉजिक लगा दी है कि भाई कुछ भी मैसेज आया ना, ये रिस्पॉन्स भेज दो। इसके कोड का हम ओवरव्यू कर लेते हैं, क्या ख्याल है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे पहले, ये मैं कोड रिव्यू करने से पहले, तो वो प्लीज, आपका हो गया मसला सॉल्व? खुला हुआ अभी तुम्हारे पास, तो मैं आके देख लेता हूँ। या अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, इसी पे जूम पे ही शेयर कर दो और एक्सप्लेन करो सब लोगों को, बताओ कि क्या हो रहा है। ये लो, शेयर स्क्रीन इनेबल कर दिया मैंने। करो शेयर करो स्क्रीन। यार गिटहब पेजेस पे क्यों कर रहे हो? आसान तरीका जो सर्ज है वो कर लो, फायरबेस होस्टिंग कर लो। अच्छा खैर बताओ इसमें क्या हो रहा है। मास्टर पे करो, मास्टर पे, मास्टर में कोड पुश करते हो ना सीधा सीधा, मास्टर सेलेक्ट कर लो। और जो रूट है भाई, और जो रूट है भाई, म्यूट ऑल, म्यूट ऑल, खत्म। सही है, अब माइक ओपन हो गई। अच्छा ये रूट वाले को चेंज करो फोल्डर को, इसमें ऑप्शन आ रहा है स्लैश बिल्ड, स्लैश बिल्ड तुम्हारे पास है ही नहीं शायद। जाओ कोड दिखाओ मुझे गिटहब में जो पुश हुआ है, इसमें बिल्ड तो है ही नहीं ना, बिल्ड यहाँ पहुंचा ही नहीं है। सही है, तो ये गिट इग्नोर में से ना तुम स्लैश बिल्ड को रिमूव करो, बिल्ड पहुंचेगा यहाँ तो होस्ट होगा ना, बिल्ड पहुंच ही नहीं रहा यहाँ पे। यहां से नहीं होगा, तुम्हारे पीसी से होगा, क्योंकि जाहिर है बिल्ड का फोल्डर तो है ही नहीं ना यहाँ पे, हटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें अपने पीसी में क्लोन लोगे क्या करोगे अभी? नहीं मतलब कैसे इसको तुम करोगे अभी? गिट इग्नोर में हटा के तुम्हें एनपीएम रन बिल्ड चलाना होगा, ताकि जो जो भी ऐप है वो बिल्ड हो जाए और बिल्ड तुम्हारा फ्रेश बिल्ड निकल आए, और उस बिल्ड को फिर तुम्हें कुछ ना कुछ करके कहाँ भेजना है, गिटहब में भेजना है। मोस्ट प्रॉब्ली गिट इग्नोर से हटाओगे तो वो खुद ही ऐड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नंबर दो काम ये करना है कि तुम्हें जो अपना होम पेज का यूआरएल है ना वो सेट करना है। ठीक है, होम पेज का यूआरएल सेट करना होगा, और उसके बाद ही तुम बिल्ड चलाओगे तो वो सही बनेगा। अदरवाइज अगर होम पेज का यूआरएल तुम्हारा सेट नहीं है, वो लगाया हुआ तुमने, एक आर्टिकल भी मैंने शेयर किया था शायद तुम लोगों से बिल्कुल शुरू में, एक खातून है कोई, उन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ था ना, हाउ टू होस्ट रिएक्ट एप्लीकेशन ऑन एंजली शर्मा। ठीक है, नहीं वो एक पहले नंबर पे आता है, आप सर्च करेंगे ना जबकि हाउ टू होस्ट रिएक्ट ऐप ऑन जीएच पेजेस, तो अंजलि शर्मा करके एक है खातून, उन्होंने वो पहले नंबर पे आता है, सही आर्टिकल है बिल्कुल, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो हो जाएगा, मगर स्टिल रिएक्ट की एप्लीकेशन को जीएच पेजेस पे होस्ट करना थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। सिंपल प्रोसीजर ये है, सर्च पे कर दो, सर्च हमने किया था, एक ही कमांड है उसकी। ठीक है, सर्च लिखो, खत्म। फायरबेस पे होस्ट कर लो, फायरबेस पे 10 एप्लीकेशन फ्री मिलती है, रिएक्ट उस पे बहुत अच्छे से होस्ट हो जाती है। सही है, फायरबेस की बहुत सारी चीजें मैं मना करता हूँ यूज करने, लेकिन होस्टिंग जो है वो बेरेबल चीज है, आप इजिली उसको यूज कर सकते हो। हाँ, i8 फायरबेस का कूपन कोड जनरेट किया हुआ है बंदे ने। खैर तो तुम्हारा मसला तो अभी हल नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे तुमने क्लोन ही लिया हुआ ना है, क्लोन लो उसको, दोबारा से बिल्ड चलाना, मगर अभी छोड़ दो, अभी ये देखो जो मैं बता रहा हूँ। अरे एसी चल तो रहा है भाई, एसी का फ्लैप सीधा कर दो, एसी का फ्लैप नीचे हुआ होगा, एसी का ना फ्लैप सीधा करोगे तो आगे तक थ्रो करेगा वो, और ऊपर कर दो थोड़ा, बस परफेक्ट है।
यहाँ तक आ तो नहीं रहा वैसे, आ गया यहाँ तक आ गया। यार क्या बेहतरीन थ्रो है इसका यार, इतनी दूर तक थ्रो कर रहा है, यहाँ तक आ रही है वैसे। लेकिन फैन ऑफ कर ऑन कर दूंगा ना तो फिर यहाँ तक थ्रो नहीं आता इसका, वो क्योंकि फैन ऊपर से नीचे की तरफ है तो उसको डाउन कर दूंगा। खैर अच्छा भाई, सारे यहाँ पे मुतवज्जा हो जाएं क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन करने लगा हूँ वो चैट एप्लीकेशन। अगर इसमें फिर कोई भी सवालात होंगे आपके तो वो सवालात लूंगा मैं, अदरवाइज पे डायलॉग फ्लो पे मूव कर जाएंगे। सही है, पीछे वाला गेट यार, जो पीछे दोस्त बैठे, अरे पीछे वाला गेट बंद कर दो यार, कॉन्टेक्स्ट एपीआई की जरूरत नहीं है ना। स्टेट मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, लोकल स्टेट यानी कॉम्पोनेंट के अंदर वाली स्टेट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट भी वैसे स्टेट मैनेजमेंट में आता है लेकिन उसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है चैट एप्लीकेशन की हद तक। करवाने को तो मैं सब करवा दूं, 6 महीने पूरे मैं इस पे भी लगा सकता हूं। नहीं नहीं रिडक्स तो वैसे ही मैं मना ही करता हूं, रिडक्स तो पढ़ना ही इस वक्त बेकार है, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई उन्होंने खुद लिखी है, अपना मन जाना है उनका, और वो बंदे ने लिखा भी उसी बंदे ने जिसने रिडक्स बनाई है। वो मेरे पास कोड एग्जाम्पल पड़ी हुई है अंदर, वो कोड एग्जाम्पल आप देख लें। इससे पहले मैंने एक बैच पढ़ाया यहाँ पे वेब का, रिपोजिटरी पब्लिक है वो, उसमें आप जाएं कॉन्टेक्स्ट एपीआई के नाम से, वो मिनिमल एक ऐप है उसमें सिर्फ कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, वो कोड देख लें आप। उसके अलावा ये वीडियोस हैं मैं आपको दे दूंगा, आप खुद से देख लीजिए। असल में यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी हम डायलॉग फ्लो पे मूव करें। हमारा जो आखिरी क्लास है वो कब है? फरवरी की 30 तारीख हमारी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट होगी। अबे वही मतलब जो भी आखिरी दिन होता है फरवरी का। तेज हो गए बड़े। यार आपके एक दो सवाल पूछ रहे हैं, खामोशी। हाँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई मसला करेगी अगर उसको पूरी एप्लीकेशन में लगाया था ना आपने, आपकी एप्लीकेशन में अगर 200 कंपोनेंट है। अच्छा ये इनके स्पेसिफिक सवाल का जवाब दे रहा हूँ, बाकी लोग अगर रिएक्ट का बैकग्राउंड नहीं है तो इग्नोर करें, ठीक है। अगर आपके 200 कंपोनेंट है आपके और आपने एक ही कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है उसका, और वो जाहिर है वो 200 में जा रहा है, तो फिर तो एप्लीकेशन को स्लो डाउन करेगा। इसका प्रॉपर तरीका ये होता है, हाँ इसका प्रॉपर तरीका ये होता है कि आप जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसको डिवाइड करते हैं, जो रेलेवेंट कॉम्पोनेंट्स हैं उसका कॉन्टेक्स्ट अलग बनाते हैं। नहीं रिडक्स को तो वो रिएक्ट वाले खुद रिप्लेस कर रहे हैं उसको, उन्होंने बनाया इसीलिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है ना। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है इसके अंदर, इसमें आमतौर पर लोग करते ही है कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जो अभी। अच्छा लोगों का एतराज बहुत है इस बात पे ना, क्योंकि रिडक्स टूलकिट में ना इसके बहुत सारे ऐसे टूल्स इन्होंने बनाए हुए हैं जो इस चीज को करना आसान हो गया है उसमें, लेकिन कॉन्टेक्स्ट एपीआई में इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है अभी। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये बात भी है ना कि आपकी एप्लीकेशन पे 200 कंपोनेंट होने भी चाहिए। आमतौर पर जो एप्लीकेशन बनती है, जो आमतौर पर फ्रीलांसिंग में टास्क मिलता है, उसमें मैक्सिमम 20 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, और इतना ज्यादा ब्रेक डाउन भी नहीं करते हम, तो 20 कंपोनेंट तक तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई कुछ भी नहीं बोलती आपको, ठीक है। अच्छा फिर भी उसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप 3-3, 4-4 कंपोनेंट करके आप उसको डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर फेसबुक का जो एक पेज खुलता है तो उसमें जितने कंपोनेंट है उसका एक कॉन्टेक्स्ट बना दें, फिर वहां से आप सेटिंग में जब जाते हैं ना तो वहां फिर अलग दुनिया है पूरी, वो फीड वाले से उसका बहुत मुख्तलिफ है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट अलग बन जाएगा, और फिर सारों का एक कॉमन कॉन्टेक्स्ट भी बन जाएगा। कॉमन कॉन्टेक्स्ट जो होगा उसमें जैसे नोटिफिकेशन वगैरह टाइप की चीज है कि आप एप्लीकेशन में किसी भी जगह है आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो कॉमन बन जाएगा उसका, तो ऐसे करके बहुत इजीली हो जाता है ये। हाँ ये मैं बता देता हूँ कि क्या है। अच्छा शुरू से करता हूँ मैं, पहली लाइन से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी इस पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन में एक ही कंपोनेंट है, ठीक है, ये बात क्लियर है। यार आपस में बातें नहीं करो, यहाँ मुतवज्जा हो जाओ, मैं आगे निकल जाऊंगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, फिर समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, रोना नहीं, क्योंकि मैं आगे अभी डायलॉग फ्लो पढ़ाऊंगा ना तो वो इसी पे इम्प्लीमेंट होगा पूरा, ठीक है। सबसे पहला हम इसी वेब एप्लीकेशन पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने बटन
फॉर्म और ग्रुप लिस्ट, ये हमने रिएक्ट के बूटस्ट्रैप से उठा ली। अच्छा ये तो लिस्ट यूज नहीं हो रहा, सिर्फ फॉर्म ही यूज हो रहा है। अच्छा उसके बाद हमने यूज इफेक्ट और यूज स्टेट लगा लिया। ठीक है, यूज इफेक्ट का काम क्या होता है कि एप्लीकेशन जैसी मेरी लोड हो तो पहले शुरू में कोई काम कराना था हम उससे करा लेते हैं। ठीक है, अभी लेकिन यूज इफेक्ट भी इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो हम एक दफा वेदर ऐप में करके देख चुके हैं। उसके बाद मेरा ये ऐप का कंपोनेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, मेरे पूरे एप्लीकेशन का एक वाहिद कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट। अच्छा उसके अंदर है दो स्टेट वेरिएबल, एक है मेरे पास स्टेट वेरिएबल टेक्स्ट के नाम से, जिसमें क्या होता है कि यूजर जो बात लिख रहा है ना उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मैं इसमें उठाता हूँ, रियल टाइम में उठा रहा होता हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, दूसरा है मैसेजेस, जो एक एरे है जो कि मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है कि आने और जाने वाले जितने भी मैसेजेस हैं वो इसमें स्टोर होते हैं। ठीक है, क्योंकि यूजर को दिख रहा है और वो रियल टाइम में दिखना भी चाहिए कि आए तो रियल दिख जाए, तो वो उसके लिए दूसरा वेरिएबल है। ठीक है, क्यों, इस तरह के जो वेरिएबल होते हैं स्टेट वेरिएबल, इसकी खासियत क्या है कि अगर ये वेरिएबल किसी भी वजह से चेंज होता है तो जहां जहां पे ये डिस्प्ले हुआ हुआ है मेरी यूआई पे वहां वहां पे भी ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ये हो गया जी। फिर उसके बाद एक फंक्शन है सेंड मैसेज का। ठीक है, ये फंक्शन कब कॉल होता है, जब बंदा कुछ भी लिख कर और सेंड का बटन दबाता है तो ये फंक्शन कॉल होता है। इसके अंदर क्या हो रहा है वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने JSX पे। JSX मेरी बहुत ही सिंपल है, यानी मेरी जो UI है उसके अंदर एक अदद फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, और फॉर्म आपको स्क्रीन पे कहाँ पे दिख रहा है, ये टॉप पे ना एक बॉक्स और एक बटन, ये फॉर्म है मेरा। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है। इसके अंदर फॉर्म कंट्रोल के अंदर एक ये इनपुट बॉक्स है और दूसरा जो है वो बटन है। अच्छा इसके अंदर जो मेरे पास इनपुट बॉक्स है, ठीक है, इसमें थोड़ा ये फैंसी सा आपको दिख रहा है कंपोनेंट, इसमें मैं सिंपल इनपुट भी लगाता तो वो चलता एज इट इज चलता है। ठीक है, सिंपल इनपुट भी, बट ये मैंने बूट स्ट्रैप से उठाया ताकि बटन जो ना मेरा थोड़ा गोल मटोल सा बटन आ जाए। सही है, थोड़ा इसमें देखो शेडो वेडो आ रहा है, और कोई रीजन नहीं है इसमें, सिंपल इनपुट भी लगाऊंगा तो काम इसी तरह करेगा। तो मैंने कहा टाइप इसकी क्या है, टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर क्या है, एंटर योर मैसेज, और ऑन चेंज पे मैंने कहा कि एक फंक्शन कॉल होगा ऑन चेंज पे। ठीक है, ये उसका इवेंट होगा। ठीक है, ऑन चेंज पे, जब ऑन चेंज क्या होता है, जब एक बटन प्रेस करते हैं ना उस इनपुट बॉक्स में तो ये एक बार चलता है, एक और बटन प्रेस करते हैं एक और बार चलता है। ठीक है, तो मैं अगर पूरा अपना नाम लिखा है इंजमाम तो 7 बार ये फंक्शन चलेगा। अच्छा ये फंक्शन जब चलता है तो मैं इसमें क्या ऐड करता हूँ, मैं कहता हूँ सेट टेक्स्ट। ठीक है, जो भी मेरा टेक्स्ट है, जो ऊपर जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या सेट कर दो, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ऑन चेंज का फंक्शन अगर आप अलग से पढ़ेंगे तो उसमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में वो चीज मिलती है जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखी जा रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने INZAMAM लिखा तो जो मैं आखिरी वाला एम प्रेस करूंगा ना तो उसमें मुझे पूरा लिखा हुआ मिलेगा वो। ठीक है, या मैंने अगर जैसे पाकिस्तान लिख रहा हूँ तो मैं जब लिखूँ ना PAK तो जब मैं K प्रेस करूंगा तो इसमें क्या मिलेगा, PAK पूरा मिलेगा, और जब मैं आखिरी बटन प्रेस करूंगा N तो पाकिस्तान पूरा मुझे मिलेगा। तो इस तरह होगा क्या कि जो भी मैं लिखता जाऊंगा वो रियल टाइम में कहाँ जाता जाएगा, मेरे वेरिएबल में चला जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे बंदे ने लिखा जो भी लिखना था वो लिख दिया, उसके बाद ये बटन प्रेस किया जब इसने, ठीक है, तो इस पर टाइप क्या लगी हुई, सबमिट। ये बटन पे टाइप लगी हुई है सबमिट, और हम ये देख चुके हैं कि फॉर्म के अंदर अगर एक बटन होगा ना अकेला तो टाइप सबमिट ना भी लगा हुआ तो उसको कंसिडर कर लेता है कि ये टाइप सबमिट है। तो जैसे ही ये बटन प्रेस होगा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ऑन सबमिट पे मैंने क्या चीज लगाई हुई है, सेंड मैसेज। सेंड मैसेज का वो फंक्शन है जो ऑन सबमिट पे चलता है। अब आ जाते हैं हम सेंड मैसेज में हो रहा क्या है। सेंड मैसेज में ये हो रहा है, सबसे पहले तो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, इससे ये होता है कि ऑन सबमिट में पेज रिफ्रेश जो हो रहा होता है वो रुक जाता है। इसका हमने एक तरीका और भी देखा था HTML के टाइम पर, ठीक है, रिटर्न फॉल्स वाला, अगर आपको याद हो तो हम जब HTML का फॉर्म बनाते थे तो रिटर्न फॉल्स का एक तरीका हमने देखा था। ये दूसरा तरीका है, ये रिएक्ट में ज्यादा कॉमन है। ठीक है, रिएक्ट में वो रिटर्न फॉल्स वाला आमतौर पर नहीं यूज करते। ये अगर ये नहीं लगाएंगे ना तो जैसे ही सबमिट करेंगे पेज रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्म का काम क्या होता है, इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेजना, लेकिन वो तरीका चूंकि पुराना हो चुका है, अब नए तरीके में हम डायरेक्ट फॉर्म के एलिमेंट से हम रिक्वेस्ट नहीं भेजते, हम क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं, फेच के जरिए या एक्सियोस के जरिए, उसके जरिए हम रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। ठीक है, फॉर्म से डायरेक्ट भी रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है, लेकिन वो तरीका आमतौर पर यूज नहीं करते क्योंकि उसमें फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग और बहुत सारी चीजें उसमें हो नहीं पाती प्रॉपरली। ठीक है, लेकिन जब शुरू शुरू में HTML आई थी तो डायरेक्ट फॉर्म ही लिखते थे और फॉर्म के अंदर क्या करते थे, हाँ यहाँ पे लिखते थे मेथड पोस्ट और एक्शन के अंदर वो पूरा URL लिखते थे जिसपे भेजनी होती। ठीक है, तो निस्बतन वो काफी आसान है सुनने में, लेकिन जब करना होता है ना तो उसमें बहुत सारी चीजें वो बहुत घुमा देती है बंदे को।
अच्छा तो ये फंक्शन स्टार्ट हुआ, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट लगा दिया मैंने ताकि मेरा पेज रिफ्रेश ना हो। उसके बाद मैंने कॉन्सोल क्या करवाया, टेक्स्ट। ये टेक्स्ट क्या है, ये एक वेरिएबल है जो स्टेट वेरिएबल कहते हैं उसको। उसके बाद मैंने कहा कि सेट मैसेजेस, क्योंकि जाहिर है जो भी टेक्स्ट है वो मुझे भेजना है इंटरनेट पे, चैटबॉट को भेजना है आपको, ठीक है। तो मैं उसको पहले क्या करवा रहा हूँ, अपने जो मैसेजेस की लिस्ट है, जाहिर है जो डिस्प्ले भी तो होगा ना जैसे ही वो सेंड होगा, उसमें पहले मैंने उसको सेट करवा दिया। अच्छा, सेट मैसेजेस जो है वो मैं कैसे करवा सकता हूँ, दो तरीके से। एक तो ये तरीका है सेट मैसेजेस, और इसमें मैं कुछ भी डेटा डाल दूं, ठीक है, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका है कॉल बैक वाला। ये दो तरीके मैं बता चुका था वेदर ऐप में भी। तो यहाँ पे ये तरीका काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा काम, क्योंकि मेरा जो जो मैं सेट मैसेज में जो चीज रखना चाह रहा हूँ वो किस पे बेस करता है, प्रीवियस वैल्यू। मुझे प्रीवियस वैल्यू भी उसके अंदर चाहिए, उसके साथ है। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता था कि भाई इसमें ना मैं कहूँ कि भाई टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट, और क्या है मेरे पास, मैसेजेस में पुश करना है ना, MESEG मैसेजेस। मैंने कहा भाई मैसेजेस डॉट पुश, और ऐसे टेक्स्ट करूं, सही है। ऐसे भी कर सकता हूं मैं मैसेजेस में पुश करके और मैं इसके अंदर सेट करवा दूं, लेकिन ये क्या करेगा, ये ग्लिच करेगा कुछ जगहों में। ये मैसेजेस मैसेजेस ये रहना, इसी में तो डालना है, ये रीड ओनली है ना, मिले, ये काम करेगा तरीका, ये तरीका काम करेगा, ठीक है। अभी क्यों करेगा मैं यही बताने लगा हूं, ये तरीका काम करेगा लेकिन ये ग्लिच करेगा। ये ग्लिच क्यों करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है एसिंक्रोनस। अगर आपने ना जल्दी 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 मैसेज भेजा ना 3-4, तो वो आगे पीछे हो जाएगा, वो क्या होगा, आगे पीछे हो जाएगा। क्योंकि ये जो सेट मैसेज है ना, हो सकता है आपने जो बटन पहले प्रेस किया वो बाद में चले, और जो बाद में प्रेस किया वो पहले चले, अगर आपने जल्दी जल्दी किया। बहुत रेयर होगा ये, लेकिन वो ग्लिच कर सकता है, करेगा ग्लिच अल्टीमेटली किसी ना किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ये तरीका यहाँ पे यूज, जहां पे जैसा कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि जहां पे प्रीवियस वैल्यू में जोड़ के आपको नई वैल्यू बनानी होती है, वहां पे आप ये वाला तरीका यूज नहीं करते हैं, वहां पे आप कॉल बैक वाला करते हैं। अच्छा, ये कॉल बैक जो है ना, ये पहले चले या बाद में चले फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि प्रीवियस वैल्यू उसके अंदर मिल रही होती है आपको, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू उसके अंदर मिल रही होती है। तो जो आपने पहले दबाया है, अगर वो बाद में भी चलेगा ना, तो प्रीवियस वैल्यू अकॉर्डिंग उसको मिलेगी, तो वो ग्लिच नहीं करेगा किसी पॉइंट में। अच्छा, तो मैंने कहा सेट मैसेज, और ये प्रीवियस में मुझे क्या मिला, जो भी मैसेजेस के अंदर पहले से था वो मिला। तो मैसेजेस की मेरी इनिशियल वैल्यू क्या है, एम्प्टी एरे। तो मुझे प्रीवियस में क्या मिला, एम्प्टी एरे मिला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा भाई प्रीवियस, अब प्रीवियस के अंदर मुझे जोड़ना है अभी वाली वैल्यू को, अभी वाली वैल्यू को मुझे जोड़ना है उसके अंदर। तो मैं, अच्छा ये पूरा ऑब्जेक्ट है ना मेरा, मेरा एक मैसेज इज लाइक दिस, कि सेंडर कौन है उसका और टेक्स्ट क्या है, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है। जाहिर है क्योंकि मुझे एक को लेफ्ट और एक को राइट पे दिखाना है, तो मुझे ये तो ट्रैक करना पड़ेगा ना कि कौन सा मैसेज यूजर का है, कौन सा बॉट का है। तो अब ये पूरा ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए ना, तो मैंने कहा प्रीवियस डॉट पुश, ठीक है, और मैंने इस तरह करके लगा दिया कि प्रीवियस के अंदर पुश कर दिया मैंने, और फिर प्रीवियस को मैंने रिटर्न करवा दिया। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि इसका रेफरेंस नहीं टूट रहा। जब हम पुश करते हैं ना किसी चीज को, तो मेमोरी में उसकी लोकेशन सेम रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। ये हमने शुरू में जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ रहे थे, तो उस वक्त हमने ये पढ़ लिया था कि हम अगर एक एरे बनाते हैं तो उसमें हम, और उसको दूसरे वेरिएबल में कॉपी करते हैं, तो उसमें कोई भी चेंज करें दोनों वेरिएबल में चेंज आता है, ठीक है। तो फिर रेफरेंस तोड़ने का एक तरीका हमने जिक्र किया था, अगर वो किसी को याद नहीं है तो आप पुराना कोड देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ना वो वाली चीज हो रही है, रेफरेंस नहीं टूट रहा, ठीक है। तो अब मुझे रेफरेंस तोड़ने के लिए स्प्रेड ऑपरेटर यूज करना पड़ा, ठीक है। तो अब इसका क्या किया मैंने, मैंने आपको क्या जिक्र किया था उस जब हम पढ़ रहे थे वो वाली टॉपिक को, तो हमने ये जिक्र किया था कि जहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट आता है ना, वहां पे मेमोरी में नई लोकेशन क्रिएट होती है, सही है। तो मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाई, ठीक है, उसके बाद मैंने एक आइटम रखा, हाथ से रखा एक आइटम, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा प्रीवियस के अंदर जो भी आइटम थे ना उसको स्प्रेड कर दूंगा, ठीक है, और एक नया एरे मैंने मेमोरी में क्रिएट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे रेफरेंस तोड़ना जरूरी इस वजह से है क्योंकि ये जो सेट मैसेजेस है ना, अगर रेफरेंस नहीं टूटा होगा ना, तो इसको पता नहीं चलता कि कुछ चेंज हुआ नहीं, मतलब थोड़ा ये थोड़ा इतना तेज नहीं है इसका दिमाग। जब रेफरेंस चेंज होता है ना, तब इसको लगता है कि कुछ चेंज हुआ है, अदरवाइज इसको पता नहीं चलता है कि कुछ चेंज हुआ है। अच्छा, पता नहीं चलेगा वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, पता नहीं चलेगा तो स्क्रीन पे अपडेट नहीं होगी, सही है। तो इसलिए रेफरेंस तोड़ना जरूरी है यहाँ पर।
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो या एरे हो, जब भी आप उसको क्या करेंगे, यानी इस तरीके से जब आप उसको अपडेट करेंगे ना, तो अपडेट भी करेंगे और रेफरेंस भी तोड़ेंगे, दोनों काम करेंगे, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अभी जो यूजर ने लिखा था उसको मैंने अपने एरे में डाल लिया डिस्प्ले करवाने के लिए। तो जाहिर है वो डिस्प्ले हो गया, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। स्क्रीन पर डिस्प्ले होने के बाद मैंने क्या किया, एक्सियोस डॉट पोस्ट के जरिए उसको सेंड कराया। किस पे सेंड करवाया, मेरे पास एक लोकल सर्वर चल रहा है, लोकल होस्ट 3000। नमाज का टाइम हो गया, दो मिनट में खत्म करता हूँ। अच्छा, लोकल होस्ट के सर्वर पे मैंने भेजा और मैंने कहा /talk-to-chatbot, ये मेरा लोकल सर्वर है, चल रहा है, मेरी ही सिस्टम पे चल रहा है, भेज दिया मैंने। बॉडी के अंदर मैंने टेक्स्ट भेजा और इस सर्वर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये मुझे क्या रिस्पॉन्स करेगा। ये मुझे रिस्पॉन्स में इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट भेजेगा, ऑब्जेक्ट होगा टेक्स्ट और उसके आगे एक मैसेज होगा जो चैटबॉट मुझे भेज रहा है, राइट। जिस तरह का मैं भेज रहा हूँ डेटा, उसी तरह का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, रिस्पॉन्स जो भी आया उसको कॉन्सोल करवाया और कॉन्सोल करवाने के बाद सेट मैसेजेस के अंदर जो भी चैटबॉट ने मुझे रिस्पॉन्स भेजा है उसको सेट मैसेज के अंदर जो एरे है मेरे पास उसमें भी एड करवाया, ठीक है। तो मैंने अब क्या कहा, मैंने कहा सेंडर बॉट है और प्रीवियस में जो भी है उसको स्प्रेड करके यहाँ पे लाके रख दो, सही है। ये सिंपल, जब भी अपडेट होगा ना एरे, जब भी अपडेट होगी वो इसी तरह होगी। इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है, फिलहाल हजम नहीं हो रहा, तो इसको बॉयलर प्लेट के तौर पे समझ लो कि रिएक्ट के अंदर जब भी एरे अपडेट होगी ना वो इसी तरह होगी, उसका यही सिंटैक्स होगा, ठीक है। अच्छा, जब रिस्पॉन्स मुझे सर्वर से आ गया चैटबॉट का, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा e.target.reset, इसके जरिए क्या किया मैंने, फॉर्म को रीसेट करवा दिया। जो भी मेरा फॉर्म के अंदर लिखा हुआ था ना, जो क्योंकि सबमिट हो चुका है, जा चुका है, तो फॉर्म से वो मैंने डिलीट करवा दिया, खाली करवा दिया। अच्छा, ये मुझे ई कहां से मिला है, ये मुझे ई यहां से मिला है। ये फॉर्म सबमिट करने का इवेंट है, सबमिशन इवेंट है फॉर्म का ये, ठीक है। मैंने कहा e.target.reset और मैंने सेट टेक्स्ट को भी खाली करवा दिया। सेट टेक्स्ट क्या चीज है, मेरा स्टेट वेरिएबल है कि यूजर जो भी अभी लिख रहा है वो उसमें सेव होता है, क्योंकि जस्ट अगर मैं फॉर्म को रीसेट कराऊंगा ना तो वो चेंज नहीं होगा, वो अपनी जगह रहेगा, ठीक है। तो मैं दोनों को खाली कराऊंगा, फॉर्म को भी और उस स्टेट वेरिएबल को भी। हाँ, सेट मैसेजेस जो है ये मैसेज की एरे बनाता रहेगा। हाँ, अब ऊपर शो होगा, एग्जैक्टली। देखो, इसके अंदर ये पुश और अनशिफ्ट का चक्कर है कि मुझे एरे को दिखाना कैसे। अब अगर मैं इस प्रीवियस को शुरू में कर दूंगा ना, यहाँ से कट किया मैंने और इसको मैंने पहले कर दिया, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। असल में अब मैं आखिर में ऐड कर रहा हूँ, ये बात है कि आपको एरे के लास्ट में ऐड करना है नया आइटम या शुरू में ऐड करना है। तो मैं कह रहा हूँ एरे के किसमें करो, आप शुरू में नया आइटम ऐड करो, क्योंकि मेरा व्यू अभी स्क्रीन का ऐसा है, ठीक है। क्योंकि मेरा व्यू स्क्रीन पे इस वक्त कैसे है कि मैसेज का बॉक्स ऊपर है, डिस्प्ले नीचे होता है, ठीक है, इस तरह का व्यू है मेरा। तो लेटेस्ट मैसेज मुझे टॉप पे दिखाना है। अभी कभी स्क्रीन का अगर ओरिएंटेशन उल्टी हो कि नीचे मैसेज लिखा हुआ और ऊपर आप दिखा रहे हैं, तो आपको लास्ट मैसेज कहाँ दिखाना होगा, बॉटम पे दिखाना होगा, सबसे लास्ट, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो चैटबॉट है वो अभी, चूंकि मेरे पास तो सर्वर चल रहा ही नहीं है अभी, तो डॉट देन पे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, मुझे मिल रहा है डॉट कैच, क्योंकि सर्वर तो है ही नहीं ना, चल ही नहीं रहा अभी कुछ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा सर्वर बनाऊंगा, उससे मैं डायलॉग फ्लो पे हिट मारूंगा, सही है, वहां से मुझे जो रिस्पॉन्स आएगा मैं डिस्प्ले करा दूंगा। अच्छा, तो ये आपकी चैट एप्लीकेशन एक्सप्लेन हो गई। इसमें अगर किसी का कोई सवाल, अच्छा, यहाँ पे नीचे भी एक डिव बनी हुई है जिसमें मैंने क्या किया हुआ है, लूप चला के मैसेजेस जो है, मेरा जो एरे है जिसमें हर आने और जाने वाला मैसेज मैं स्टोर करवा रहा हूँ उस एरे में, उस एरे को यहाँ डिस्प्ले करा दिया। और मैंने कहा कि भाई इस पे एक लॉजिक लगा दी मैंने कि जस्टिफाई कंटेंट क्या करो, अगर यूजर की तरफ से मैसेज है तो जस्टिफाई कंटेंट कर दो एंड, दूसरी साइड पे दिखा दो, अदरवाइज फ्लेक्स स्टार्ट कर दो, शुरू में दिखा दो, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि कुछ मैसेजेस आपको देख रहे हैं इसमें इसके एंड में दिख रहे हैं और कुछ मैसेजेस के शुरू में दिख रहे हैं, ठीक है, ये फ्लेक्स कंटेनर है, कुछ मैसेजेस के शुरू में, कुछ मैसेज एंड में, लॉजिकल इसको मैंने कर दिया, ठीक है। मैंने कहा कि जनाब क्या करो, जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट के अगेंस्ट में क्या लिख सकता था, मैं एक सिंपल स्ट्रिंग लिख सकता था, बट मैंने क्या किया, टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया, और वो टर्नरी ऑपरेटर के जरिए उसको कंडीशनल बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर किसी का कोई सवाल है तो वो नमाज पढ़ के आप वापस आएंगे, जी पूछे। अगर नहीं है तो डेटा नॉट फाउंड दिखा दे,
हाँ इसमें वो नहीं हो सकता, सही कह रहे हो। ठीक है, अगर इसमें मैं चाहूँ तो एंड एंड का जो ऑपरेटर है ना उससे ये काम कर सकता हूँ, टर्नरी से भी कर सकता हूँ। नलेश में बस ये होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है जी, नमाज पढ़ के आप आ जाए।